नेपाल कह रहा है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। इनका दिमाग खराब हो गया। भारत में बैठे चीन के चापलूस नेपाल के इस बयान का साथ दे रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मोदी सरकार के राज में सब सत्यानाश हो गया है। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख हो गई। जितने टेस्ट हो रहे हैं अब ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। जेब में किसी के पैसा नहीं है। आपने जो 20,97,000 करोड़ रुपए दिए वो तरलता है, वो मॉनेटरी स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस नहीं है। भारत में कई मुद्दे सुर्खियों में हैं, पर मीडिया कुछ गिने चुने मुद्दे ही उठा रहा है। कोरोना वायरस समय एक जरूरी मुद्दा बन गया है। देश में इसके केस 11 लाख से पार हो चुके हैं और मीडिया अभी भी शायद राजस्थान की राजनीति में व्यस्त है या विपक्ष पर सवाल उठाने में। पर दूसरी ओर आजाद मीडिया की बात करें तो वह इन मुद्दों को लगातार उठा रहा है। आइए देखते हैं इन संकटों के बीच मीडिया ने पिछले हफ्ते के 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए हैं। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी की। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, देश के वीर सपूत राहुल गांधी को कमजोर लगते हैं। दूसरा, संतों को अफवाहों ने मारा। तीसरा, घाटी में देशभक्तों से डरे आतंकी। चौथा, पायलट का सत्य जीता परिवार हारा। और पांचवा, कण कण में राम क्यों अपमान। अर्णब के इस बार के भी डिबेट के मुद्दे हिंदू मुस्लिम और विपक्ष को टारगेट करते दिखाई दिए। राहुल गांधी का वीडियो मैसेज जारी हुआ जिसमें वह भारत और पड़ोसी देशों के साथ बिगड़े रिश्तों की बात कर रहे थे। इस पर अर्णब ने राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी और वाड्रा परिवार कह रही है कि भारत एक कमजोर देश है। जब भारत चीन के सामने खड़ा होकर ललकार रहा है तब सबूत गैंग कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देश हमसे मजबूत हो गए हैं। जब भारत कह रहा है कि सबसे पहले देश का स्वाभिमान है तब चीन के का चक्कर लगाने वाले कह रहे हैं कि 2014 के बाद भारत की कमान कमजोर हो गई है। दोस्तों, आज साफ हो गया है कि इनकी देशभक्ति चीन के सामान की तरह नकली है। आज देश समझ गया है कि सबूत गैंग की सोच मेड इन चाइना है। आज सच्चाई सामने आ गई है कि चीन से चंदा लेने वाले लोग आज भी चीन के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। देश चीन को जवाब देने को तैयार है तब ये सबूत गैंग देश में चीन के एजेंट बन रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राम जी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की जिस पर अर्णब ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर ही उंगली उठा दी। चीन का चाटुकार देश बन चुका है नेपाल। कह रहा है कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं नेपाल में हुआ था। नेपाल कह रहा है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। इनका दिमाग खराब हो गया। भारत में बैठे चीन के चापलूस नेपाल के इस बयान का साथ दे रहे हैं। नेपाल का विपक्ष इस बयान का विरोध कर रहा है लेकिन भारत में बैठे चीन के चमचे अपने आका चीन को खुश करने के लिए नेपाल की जुबान बोल रहे हैं। ये किसी एक धर्म की नहीं पूरे देश की धार्मिक सोच और स्वाभिमान का अपमान है दोस्तों। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। पहले देखते हैं कि उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। बीजेपी कांग्रेस की डबल टक्कर, घर में मचा घमासान, राहुल है मोदी से परेशान। दूसरा, कोर्ट में पहुंचा कांग्रेस का गृह युद्ध, अब रण होगा। तीसरा, कश्मीर से बंगाल तक बीजेपी के खिलाफ रक्त चरित्र क्यों। चौथा, गहलोत डटे, पायलट हटे, संकट काल में कांग्रेस। और पांचवा, पायलट की क्रैश लैंडिंग, गहलोत की सियासी उड़ान, घर में दरार, बच गई सरकार। अमीश के डिबेट के मुद्दे विपक्ष को टारगेट ही कर रहे हैं। अमीश ने भी राहुल गांधी के वीडियो पर उनकी आलोचना की और इन्हीं मुद्दों पर डिबेट भी की। तरफ राजस्थान में सियासी तूफान आ गया है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच ऑडियो टेप ने सियासी तापमान को और चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस एक ऑडियो टेप लेकर आई है और दावा कर रही है कि इस टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है जो गहलोत सरकार गिराने के लिए फोन पर पैसों की डील कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मोदी सरकार के राज में सब सत्यानाश हो गया है। चीन हमारे ऊपर आक्रामक है, विदेश नीति बर्बाद हो गई है, इकोनॉमी चौपट हो गई है, कोरोना में देश का बुरा हाल है। तो उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल इधर उधर की बात ना करें बल्कि अपना घर संभाले जो काफी बिखरा पड़ा है।
तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब बात करते हैं उस मीडिया की जिसे हम आजाद मीडिया बताते हैं, क्योंकि वह सरकार से सीधे सवाल करने की हिम्मत रखता है। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। रवीश अपने डिबेट में जनता के मुद्दे उठाते हैं और सरकार की कमियों पर सवाल भी करते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, राजस्थान की राजनीति किस मोड़ पर। दूसरा, जानलेवा साबित हो रही है कोरोना टेस्टिंग में देरी। तीसरा, क्या यूएपीए एनएसए प्रोफेसर अनंत डॉक्टर कफील को जेल में रखने के लिए लगाया गया है। चौथा, जब महामारी इस तरह फैलने लगी तो टेस्टिंग का मतलब क्या रहा। और पांचवा, डॉक्टर कफील, वारावारा राव, अखिल गोगोई क्या असहमति की कीमत चुका रहे हैं। रवीश ने अपने प्राइम टाइम में कोरोना टेस्टिंग की देरी को लेकर होने वाली मौतों के बारे में बताया और सरकार पर सवाल भी खड़े किए। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख हो गई है। 20 दिनों में 5 लाख से भारत 10 लाख पर आ गया है। जितने टेस्ट हो रहे हैं अब ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। केजरीवाल ने यही कहा कि टेस्टिंग करने से मरीज का समय पर इलाज शुरू हो जाता है और एम्बुलेंस समय पर मिल जाए और कम से कम समय में अस्पताल में भर्ती हो जाए तो मौत की संख्या कम हो सकती है। यह बात अगर सही है तो समझिए कि कई सरकारों ने कितनी आपराधिक लापरवाही की है। विक्टोरिया अस्पताल में 91 मौतें हुई हैं, इनमें से 89 को वेंटिलेटर पर रखा गया था। दुनिया के आईटी कैपिटल में से एक शहर में 97% मरीज मर रहे हैं, ये चिंता की बात तो है। यही नहीं, बिहार के एक दूसरे जिले आरा में एक संदिग्ध की इसी तरह लाइन में मौत हो गई। इसके अलावा रवीश ने एक और मुद्दे पर जोर दिया। जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, चाहे वह कवि हों, एक्टिविस्ट हों या डॉक्टर, इन पर यूएपीए एनएसए जैसे केस डालकर इन्हें जेल में डाला गया। तबीयत खराब होने पर भी उनका इलाज नहीं किया जा रहा। तेलुगु भाषा के बड़े कवि वरवरा राव जिस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उस मामले में 22 महीने से ट्रायल नहीं हुआ। गिरफ्तारी को लेकर गंभीरता है, सुनवाई को लेकर नहीं। अब उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता हुआ लग रहा है। भीमा कोरेगांव केस में कई लोग बंद हैं। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े भी बीमार हैं। इस मामले में सबसे कम उम्र के कैदी महेश राउत हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता योजना के रिसर्च फेलो थे। गढ़चिरौली में आदिवासियों के जमीनी अधिकारों के लिए काम करते थे। पर्यावरण संरक्षण की अपनी लड़ाई में इन्होंने कई बार पुलिस से लोहा लिया और आदिवासियों के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे। 3 साल से जेल में है। कफील खान बाहर होते तो किसी अस्पताल में कोविड के इलाज में सबसे आगे होते, मगर जमानत के लिए तरस गए। जो एसटीएफ विकास दुबे को पकड़ न सकी, वो एक डॉक्टर को ऐसे पकड़ लाई जैसे भगोड़ा आतंकी या अपराधी हो। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। संदीप अपनी डिबेट के जरिए बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल करते हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया से भी जनता उम्मीद करती है। आइए देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में तवज्जो दी। पहला, कोरोना, अर्थव्यवस्था और चाइना की जंग कैसे जीतेगा हिंदुस्तान। दूसरा, राजस्थान टेप कांड का मुजरिम कौन। तीसरा, क्या अशोक गहलोत के विधायकों की बोली लगी। चौथा, बिहार में सुशासन क्यों बह गया। और पांचवा, दिल्ली मुंबई के बाद बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद बने कोरोना हॉटस्पॉट, कैसे चलेगा अर्थव्यवस्था का पहिया। संदीप ने अपने डिबेट में अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं से कुछ सवाल किए। देखिए बीजेपी नेता इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। इसकी जो मार पड़ी है आम आदमी पर, देखिए हम टीवी वालों ने भी बहुत चलाया, मजदूर जा रहे हैं, पैदल जाने पर मजबूर हैं। अब 20,97,000 करोड़ डाले तो इंपेटस आना था कि भाई इकोनॉमी दौड़ने लगेगी, पर आज की तारीख में क्या आम आदमी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आम आदमी में लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास और गरीबों की मैं बात कर रहा हूं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज या मतलब गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दे दी, वहां पर बात खत्म है। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन सवाल है कि इस पूरे परिस्थिति के लिए क्या भारत की सरकार जिम्मेवार है या कोई व्यक्ति जिम्मेवार है। ये परिस्थिति तो किसी ने कोविड को बुलाया तो था नहीं, और ऐसा नहीं है कि कोविड से भारत में ही आया, पूरी दुनिया में है। उस ट्रॉमा नहीं, पर ट्रॉमा केयर में भी देखिए सारे दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री संकट काल में जेब में पैसा देना होगा, जेब में पैसा आएगा तो खर्च होगा, तो डिमांड बढ़ेगी, तो पहिया चलेगा। जेब में किसी के पैसा नहीं है। आपने जो 20,97,000 करोड़ रुपए दिए वो तरलता है, वो मॉनेटरी स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस नहीं है।
कहने के लिए 3 लाख 3 लाख करोड़ है। ये सरकार अच्छा करेगी, देश की सरकार को सरकार में भरोसा होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, राज्य सरकारें कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, ओवरऑल हम इस पूरे लड़ाई से कैसे लड़के निकलते हैं, ये सब तो समय के साथ बता लें। हमने आपको दोनों तरफ के मीडिया के डिबेट के मुद्दों में फर्क दिखाया, कौन किससे सवाल कर रहा है ये भी आपने देखा। हम यही उम्मीद करेंगे कि मीडिया दूसरे मुद्दों को तवज्जो दे और सत्ता में बैठी पार्टी के नेताओं से सवाल करेगा और इन मुद्दों का समाधान निकलवाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।